ये तो एक वो क्या लाए हो ये भर के कट्टे में पालन का दे क्या और ये चार हेलो हाँ घड़ी चार लगा लो चार रोड नहीं क्या कपड़े चेंज करके आए थे क्या क्या लाए हैं ठीक है ये बता पापा के बारे में तो पूछा नहीं खाने में लग गई क्या ढूंढ लाइट नहीं आई है क्या है इसके अंदर मूली आज चिमकानी है कौन लेके आया पापा लेके आए हैं मुझे तो गया अंदर कमरे के अंदर बंद कर दिया मैं प्रेस करी थी ना बाहर से गेट बंद कर दिया था इन्होंने मैं बजाती रही अंदर से हाँ तो जो भी है इसलिए तो बंद किया ही था ना मैंने सोचा था मैं इनको बाहर से ही नहीं वीडियो बनाऊंगी देखूंगी कोई नहीं अरे फिर वो दिक्के में वो पड़ी है वो मेरी याद नहीं आई आपको मेरी याद तो आ गया अरे कह रहे याद तो है इसने पूरा पैकेट खोल दिया कमजोर हो गया ना बिल्कुल दोनों को जुकाम हो रखा है बिल्कुल आपकी तरह हो मैं बस से खेलता रहता था ये प्रिंस वो गुन्नो हाँ मैं खेलता रहता हूँ आपके राज इसको दे देके ये तो मेरा बड़ा लाड लाया है अबे आज नहीं कर रहा है वो तुमने ना तुमने तेरा फोन बात भी नहीं करी क्यों ये गांव से आई है हमारे लिए लस्सी ये गाय की है भैंस की दूध की है गाय के दूध की लस्सी वाह ये तो मैं भी पीऊंगी तो ये लस्सी आई है गीता दीदी ने दी है दीदी व्लॉग देखेंगी तो पता चली जाएगा कि हमें लस्सी हमें मिल गई है हाँ लस्सी तो हम पियेंगे लस्सी और ये आप बाल मिठाई भी आई है ये इसमें लिखा भी है तनु से पकड़ दी सर गिराएगा शिवालय शिवनी शिवालय आई स्वीट हाउस तो ये हमारी पहाड़ी बाल मिठाई है इसमें ये छोटे छोटे बीट्स लगे हुए हैं ये कौन सी गोली बोलते हैं इसको कैल्शियम वाली ना ये बाल मिठाई है नहीं ये मीठी मीठी गोलियां होती है ना इसमें तो ये वाली ज्यादा टेस्ट रहती है ये वाली में तो ना ये दाने दाने से लगते हैं मुंह में मीठी अच्छी तो ये भी होती है तो यहाँ आप देख सकते हो एक आया है कट्टा जिसमें हैं कुछ मूलियाँ जो कि गांव से आई हैं घर की खेती ही मतलब गांव से आई हैं तो खेत से ही आई होंगी तो खूब मोटी मोटी मूली थी और मीठी भी थी खाने में और कुछ दालें आई हैं जो वहाँ की ही दालें हैं ये भेजी गई है तो ये पूरा कट्टा भर के आया है अलग अलग सामान आया था खूब सारा सामान था इसमें जो कि पहाड़ी और गाँव का ही था सब सामान ये आ गई है मूली गाँव से इतनी मोटी मोटी मूली आई है देखो शांतिपुरी से आई है मेरा एक व्लॉग अभी खत्म हुआ है तो ये दूसरा व्लॉग शुरू हुआ है अभी और दूसरे व्लॉग में मेरे पति परमेश्वर आ गए हैं घर पे जैसे कि मैंने व्लॉग में बताया था जब अभी व्लॉग खत्म हुआ उसमें मैंने बताया था कि ये आने वाले हैं तो ये आ गए तो इससे पहले कि जो भी आपने वीडियोस देखी हैं एकदम से ये रैंडमली आ गए थे और मैं अंदर कपड़े प्रेस कर रही थी मुझे पता ही नहीं था मेरा गेट बाहर से बंद था बच्चे अंदर आ रहे थे इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करी थी तो ये आ गए तो मैंने जो भी था रिकॉर्ड कर लिया फिर भी ये जीने तक पहुँचे थे और सब सामान दिखाया तो ये आ गए हैं मैं बहुत खुश हूँ इन्होंने मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं किया मैंने याद किया मैंने फोन किया वीडियो कॉलिंग करते थे तो ये नन्नू पिंसो से बात करने के लिए खाओ सो जाओ खाओ सो जाओ था बस खाओ सो जाओ 5 किलो वेट बढ़ गया मेरा नहीं मोड़ा नहीं हो गया मोड़ तो आप पहले से ही थे हो गया बाल भी ठीक से हो गए देखो तो ये आ गए हैं और अब सब सुकून मिला है मुझे सुकून मिल गया है बाय तो अभी इस व्लॉग को अभी यहीं पे एंड नहीं करते हैं ये व्लॉग तो अभी शुरू हुआ है तो एंड कैसे करेंगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग मिलते हैं कल आने वाली है मेरी मम्मी जो कि हमारे यहाँ पर होता है होली का सीधा तो वो मैं आपको बताऊंगी कल मॉर्निंग में नेक्स्ट मॉर्निंग तो अभी व्लॉग मतलब अभी व्लॉग एंड नहीं करते हैं सो जाते हैं आप सब भी सो जाइए गुड नाइट मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में तो व्लॉग को एंड नहीं कर रहे हैं मॉर्निंग में मिलते हैं ठीक है चलो अब
में खुश नेक्स्ट मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइज नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट डे हो गया है और मैं कर रही हूँ काम आप देख सकते हो फैला हुआ है ये बिस्तर भी फैला हुआ है घर का सारा काम वाम करना है फटाफट से मुझे क्योंकि मम्मी आने वाली है तो टाइम से काम करना पड़ेगा अब मैं काम करती रह जाऊँगी और मम्मी यहाँ बैठी रहेगी तो वो सही नहीं है तो फटाफट से जल्दी से काम वाम कर लेते हैं और फिर मैं बैठूंगी मम्मी के पास आज मम्मी होली का सीधा लेके आ रही है हमारे यहाँ पे होली दिवाली का सीधा विदा होता है सावन की कोतली ये सब चीज़ें होती हैं तो मम्मी आज होली का सीधा लेके आ रही है उसके बाद भाई तो फिर होली पे आएगा होली वाला ब्लॉग भी आने वाला है तो फटाफट से पहले बेल आइकन प्रेस कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप सारे ब्लॉग मेरे देख पाओ होली वाला जो ब्लॉग है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मस्ती वाला होने वाला है तो ब्लॉग को ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पढ़ाई लिखाई करोगे सफाई करोगे खाली जहाँ जा रही वही आ रहा है मम्मी के साथ सफाई करो हैं सफाई करने का और देख रहा है देखता है वही करता है वो यही कर रहा है ऐसे नन्नू भी तो लेता था ऐसे झाड़ू वाड़ू सफाई सफाई हो गई सफाई हो गई हो गई जहाँ जा रही हूँ वही आ रहा है मेरे पीछे पीछे सफाई करने के लिए हो गई तुम्हारी सफाई हो गई हो गई कर रहा है नहाई धोई पिंची अरे अपने आप नहाएगा चलो आ जाओ बाहर आ जाओ चलो आ जाओ तो ले लपेटो साड़ी लपेटो साड़ी इसके बाल इतने बड़े हो गए हैं क्या करें चल गर्मी हो रही है अब क्या पहना रहे हो सॉक्स तैयार हो गया नानी आएगी कल तो मम्मी को भी जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा नहीं तो मेरे पास कहाँ बैठने का टाइम होगा मम्मी आएगी और भाग जाएगी फिर दो घंटे में ही वापिस जाना है पिंसू के लिए नानी क्या लेके आ रही है कैंटीन से सामान इकट्ठा करके रखा होगा ना अरे मम्मी महीने में चार पांच चक्कर काटती है एक लिमिट होती है ना इससे पता नहीं पहले तो 3,500 की लिमिट थी खाली जो ये सामान होता है ग्रोसरी का घर का मम्मी घर का क्या सामान लेके आती है सबका लेके आती है तीन शादी बाजार में कितने सामान आया इतना सस्ता सामान आता है आ जाता है पता नहीं अब शायद ज्यादा हो गई होगी लिमिट जब मैं उस टाइम शादी से पहले थी ना साढ़े तीन में कितना 5,000 की लिमिट हो गई होगी अपने घर में तेल है वहीं से लाते हो हाँ सब वहीं से आता है कोलगेट तेल एवरीथिंग सब कुछ ऐ नानी तुम्हारे लिए क्या ला रही है कितना लगता होगा थोड़ा बहुत तो लगता होगा अपना ही नहीं लाती ना सबका लाती है ना कह तो रही हूँ अड़ोसी पड़ोसी दोस्त सबके सबका आ जाता है 3,500 अब बजट पता नहीं मेरे को पक्का नहीं पता है पहले 3,500 की थी अब शायद बढ़ गया होगा लाइट चला दे भाई साहब चलो